प्रदेश लेखपाल संघ मुरादाबाद के समस्त लेखपाल जनपद कन्नौज में अधिवक्ताओं द्वारा जनपद के समस्त लेखपालों पर जानलेवा हमला करने व महिला लेखपाल से दुर्व्यवहार करने वाले दोषी अधिवक्ता पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में तहसील परिसर में एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि दोषी अधिवक्ताओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दोषी अधिवक्ता का अधिवक्ता प्रैक्टिस करने संबंधी लाइसेंस निरस्त करें। अधिवक्ता द्वारा लेखपालों के विरुद्ध लिखाई गई झूठी FIR को निरस्त किया जाए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कन्नौज पर कार्यवाही तत्काल रूप से की जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लेखपाल संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। चौहान जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद मुरादाबाद, जनपद कन्नौज में कल अधिवक्ताओं द्वारा जो हमारे लेखपाल साथियों के साथ दुर्व्यवहार मारपीट की गई है, उसके विरोध में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ये धरना आज से पूरे प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनिश्चितकाल के लिए चलेगा। क्या मांगे आप? हमारी मांगे पहले तो यही है कि जो किस बात पर झगड़ा हुआ है, EWS के प्रमाण पत्र को लेकर हमारे महिला साथी के साथ किसी वकील ने दुर्व्यवहार किया था, उसके विरोध में हमारे सब साथी लोग जनपद कन्नौज में मुख्यालय पर धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उसमें जो है वहाँ करीब 400-500 लोग अपने वकीलों इकट्ठे हुए और उनके साथ उनकी मार पिटाई की। समय वहाँ SP मौजूद थे, DM साहब भी वहाँ मौजूद थे, ADM साहब वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लेखपालों के साथ जो है झगड़ा किया गया, मारपिटाई की गई। हमारी मुख्य रूप से ये 5 मांगे हैं। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये पहली मांग हमारी है दोषी अधिवक्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग हमारी दोषी अधिवक्ता को अधिवक्ता प्रैक्टिस करने संबंधी लाइसेंस बार काउंसिल लाइसेंस जस्ट किया जाए। तीसरी मांग है अधिवक्ताओं द्वारा लेखपालों के विरुद्ध लिखाई गई झूठी FIR को खत्म किया जाए। चौथी मांग है जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कन्नौज पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल हटाया जाए वहां से। पांचवी मांग है हमारी आत्मरक्षा की दृष्टि सत्र लाइसेंस इच्छुक लेखपालों को दिया जाए, जिसमें पुलिस की भी उसकी जरूरत न पड़े। आपकी अगर मांग पूरी नहीं होती अगले क्या कार्रवाई? अगली मांग, अगर हमारी ये मांगे 2 दिन में पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा 27 तारीख को प्रदेश में हमारी मीटिंग है जिला प्रदेश लेखपाल संघ की, और वहीं वो निर्णय लिया जाएगा अगली कार्रवाई के लिए।